बिहार के गया में गया जिला का 160वां स्थापना दिवस समाहरणालय परिसर में मनाया गया। गया जिला का 3 अक्टूबर को 160वां साल हो गया है। इस अवसर पर समाहरणालय परिसर में 160 मोमबत्तियां जलाई गई और केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। मौके पर अधिकारियों ने एक दूसरे को स्थापना दिवस पर बधाई दी। वर्ष 1865 में झारखंड के रामगढ़ से अलग होकर गया को पूर्ण जिले के रूप में मान्यता मिली थी। गया समाहरणालय परिसर में शाम में गया जिले के मानचित्र बनाकर 160 मोमबत्तियां जलाई गई और केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं SSP आशीष भारती ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी प्रकट की और कहा कि आज का दिन गया जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि गया जिला धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जिला है। हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन पितृपक्ष मेला महासंगम अभी खत्म हुआ है। गया जिला ही एक ऐसा जिला है जहाँ सभी धर्म का महासंगम होता है। देश विदेश के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं। हम सभी के जिम्मेवारी है कि इन जिले के विकास में अपना सहयोग करें। गया जिला का 160वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि गया जिला ऐतिहासिक जिला है। यहाँ पर गया जी, पितृपक्ष मेला, विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक लोग भी आते हैं और देश के कोने कोने से भी लोग आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और इसका जो विकास है माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार कई विकास के कार्य हर क्षेत्र में हो रहा है और हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार बोधगया में विकास हुआ या महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर के आसपास फल्गुन नदी में जो रबर डैम बना या गंगा जल लाया गया। अब जो क्षेत्र में देखिएगा सब क्षेत्र में विकास हुआ है। विधि व्यवस्था, संधारण और जो सांप्रदायिक सद्भाव सब चीज़ों में गया जिला एक मॉडल के रूप में बने रहे और विकास में अग्रसर हो, इसी उम्मीद और भरोसा के साथ मैं सभी जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सब लोगों का सहयोग रहेगा तो और बेहतर ढंग से सब चीज़ें आगे बढ़ेंगे। आज गया जिला के 160वें वर्षगांठ पर गया जिला के सभी नागरिकों को मैं अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ज्ञान और मोक्ष की यह धरती है और यहां पर सांप्रदायिक सद्भाव हमेशा से बना रहा है। मैं सभी लोगों के अमन चैन और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं और लगातार गया पुलिस यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा एवं सेवा में लगातार प्रयासरत है, लगी रही है और इसको हम लोग लगातार जारी रखेंगे। अंत में मैं पुनः इस जिले के सभी नागरिकों के विकास के लिए, सुरक्षा एवं शांति के लिए, खुशहाली के लिए मैं प्रार्थना करते हूँ, उन्हें फिर से पुनः बधाई देते हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद। गया जिला का 160वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि गया जिला ऐतिहासिक जिला है। यहाँ पर गया जी, पितृपक्ष मेला, विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक लोग भी आते हैं और देश के कोने कोने से भी लोग आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और इसका जो विकास है माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुसार कई विकास के कार्य हर क्षेत्र में हो रहा है और हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार बोधगया में विकास हुआ या महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर के आसपास फल्गुन नदी में जो रबर डैम बना या गंगा जल लाया गया। अब जो क्षेत्र में देखिएगा सब क्षेत्र में विकास हुआ है। विधि व्यवस्था, संधारण और जो सांप्रदायिक सद्भाव सब चीज़ों में गया जिला एक मॉडल के रूप में बने रहे और विकास में अग्रसर हो, इसी उम्मीद और भरोसा के साथ मैं सभी जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप लोगों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सब लोगों का सहयोग रहेगा तो और बेहतर ढंग से सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। धन्यवाद।